और आज पढ़ते हैं हम एक्सोरगेट, ठीक है। तो उसे देखते हैं एक्सोरगेट। पहला पॉइंट लिखिए इसका, इसका पूरा नाम, पूरा नाम क्या होता है, एक्सक्लूसिव गेट और गेट। दूसरा पॉइंट, इसे से प्रदर्शित करते हैं, इससे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसे चिन्ह लिख लेना, चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, इसमें इसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, अधिक इनपुट और आउटपुट क्या होता है आपका, एक आउटपुट होता है, आउटपुट कितना होता है, एक, ठीक है। अब देखो एक्सोर गेट होता क्या है, एक्सोर गेट देखो, अगर ए, ये कौन सा है आपका, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी बार, ए बी बार प्लस, प्लस क्या होगा, बी ए बार, ठीक है, क्या होगा, बी ए बार, या इसी तरीके से लिख लो, ए बार बी, ए बार बी। अब इसके सिंबल की बात करते हैं, सिंबल है ना, तो अगर सिंबल देखोगे तो कैसा होता है, ये होता है और गेट का सिंबल क्या होता है, ये किसका है, और गेट का सिंबल है ना, और गेट का, अगर इसके पास ये इस तरीके से लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये एक्सोर, क्या बन जाएगा, एक्सोर गेट, बात समझ आ रही है। और यहां क्या मिलेगा आपको, ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी या ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बार बी। अब देखो इससे भी तो हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, इससे भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ये तो इसका पेपर में आपको मिल जाएगा, एक्सोर गेट इस तरीके का होगा, है ना। और अगर इससे बनाना चाहो तो इससे देखो, ए और बी, देखो ए और बी क्या है, एंड गेट है, और बी का क्या है, नोट गेट। तो दो इनपुट आपके कौन कौन से हैं, इसे साफ करते हैं, देखिए अब देखो यहां से क्या होगा, ए इनपुट आपके क्या है, दो इनपुट है, ए और बी, दो इनपुट, ठीक है। अब वो बी पर क्या है, नोट गेट लगा है, नोट गेट लगा, बी पर क्या है, नोट गेट, बात समझ आ रही है। अब बी पर नोट गेट, फिर क्या है, ए का और इनका क्या हो रहा है, एंड गेट, तो एंड गेट लगा दो उसके साथ, ये एंड गेट, तो ये क्या मिलेगा, ए डॉट बी बार, बात समझ आ रही है, ए डॉट बी बार। अब दूसरा देखो, अब क्या चाहिए हमें, ए बार और बी, तो ए यहां से उठाया, ये यहां से उठाया, और इसके साथ क्या लगा दिया आपने, नोट गेट, नोट गेट, और बी तो वो यहां से आएगा, है ना। तो ये क्या है, ए और ये बी बार, और यहां से बी बार ये आ गया, और ए नहीं, ये आ गया आपका ए बार, और ये आपका बी, तो इसके साथ फिर एंड गेट लगा दो, है ना। एंड गेट लगाने के बाद क्या होगा, देखो क्या मिलेगा, ए बार B। अब इन दोनों का क्या करा, और गेट, और गेट लगा दोगे तो कैसा बन जाएगा आपका, ये एक्सोर गेट, ये एक्सोर गेट, है ना। तो यहां से आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, इतना मिलेगा, ठीक है, समझ मारा। तो ये सर्किट यहां से ये भी बना सकते हो, आपको ये बहुत बनाने पड़ेंगे आज, आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो अब इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं, सर्किट समझ में आ गया आपको, ट्रुथ टेबल, दो
कुछ मानी कौन कौन से हैं देखो, ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट ए बी। तो आउटपुट वाई बराबर क्या होता है, ए एक्स और बी, है ना। और आउटपुट भी क्या मिलता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इनपुट क्या होंगे आपके, जीरो जीरो भी हो सकता है, जो हो सकता है जीरो वन भी, और वन जीरो और वन वन। देखो इसके बाद कोई कंडीशन नहीं बनेगी ना आपकी, यही कंडीशन रहेगी अगर जीरो जीरो हो तो आपके पास इनपुट क्या है, देखो ए आउटपुट क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बार बी। अब देखो जीरो जीरो है तो जीरो जीरो, ए जीरो कितना हो जाएगा जीरो, और इसके बी का बार है तो बार का कितना हो जाएगा वन प्लस ऐसी ए, ए का जीरो है तो उल्टा करेंगे तो क्या कितना वन इंटू जीरो, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, आउटपुट कितना मिलेगा आपका जीरो। ठीक है, दूसरा दूसरी कंडीशन देखो, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन देखोगे तो ए कितना है जीरो, सही है, बी कितना है, बी कितना है वन, तो वन का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा जीरो, है ना, इन्वर्स करोगे तो प्लस, ए कितना है जीरो तो ए का कितना हो जाएगा वन, है ना, फिर बी कितना है वन, और जीरो प्लस कितना होगा वन, और वन जीरो कितना होता है आपका वन। क्लियर, फिर उसके बाद देखो तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में देखो, तीसरी कंडीशन में क्या है, ए कितना है वन और बी कितना है, बी कितना है आपका जीरो, और जीरो का उल्टा करोगे वन प्लस, और ए कितना है, ए जी वन है तो वन का उल्टा कितना हो जाएगा जीरो, और बी बी कितना है जीरो तो जीरो, तो कितना आ जाएगा वन प्लस जीरो, तो वन प्लस जीरो कितना होता है वन। और चौथी कंडीशन देखो, चौथी कंडीशन कितनी होगी आपकी, वन वन कितनी होगी, वन वन, तो वन कितना है आपका ये वन, और ये कितना हो जाएगा आपका जीरो, फिर प्लस ये कितना है वन, तो वन का जीरो और ये कितना वन, तो ये कितना होगा जीरो प्लस जीरो, और जीरो प्लस जीरो क्या होता है आपका जीरो। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो आउटपुट आपको लो कब मिलेगा, आपको आउटपुट लो कब मिलेगा, देखो जब जीरो दोनों इनपुट क्या हो सेम हो, या तो जीरो जीरो हो या फिर वन वन हो, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको लो। अब जब हाई कब मिलेगा, हाई दोनों इनपुट क्या हो चेंज हो, या तो एक जीरो हो एक वन हो, तभी आपको आउटपुट क्या मिलेगा हाई। तो इसमें ये पहला पॉइंट लिखिए, जब दोनों इनपुट इनपुट सेम हो, ब्रैकेट में लिख लिए, जीरो जीरो हो या वन वन हो, तो आउटपुट लो ब्रैकेट में जीरो प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, लो प्राप्त होता है। ठीक है, अब हाई कब प्राप्त होगा, हाई जब दोनों चेंज हो, दोनों चेंज हो, लिखिए इसमें, जब दोनों इनपुट चेंज हो तो आउटपुट हाई प्राप्त होता है। ऐसा प्राप्त होता है हाई। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई ना आपके, क्लियर है ना। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ये साफ करो। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा, आप इन और इनपुट को मान के इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे, किसे, ए बी बार को प्लस ए बार बी को। तो आप सर्किट कैसा बनाओगे, देखो ये क्या है आपके पास सोर्स, और ये क्या है आपके पास बल्ब, क्या है बल्ब। अब दो स्विच क्या करो, ये तो ये कितना होगा ए बी, और ये ए बार बी बार, ए बार बी बार। अब देखो जीरो मिलता है या नहीं मिलता, देखो यहां कितना है जीरो जीरो, ए भी जीरो बी भी जीरो,
तो यानी कि ये क्या होगा आपका ओपन और ये भी ओपन, और ए बार का ये हो जाएगा क्लोज्ड और ये जो हो जाएगा क्लोज्ड। तो यहाँ से देखो ये तो ओपन है ना, तो करंट यहाँ को पास करेगी नहीं, तो करंट कहाँ तक रहेगी यहाँ तक, तब फिर क्या मिलेगा ये बल्ब क्या कैसा रहेगा ऑफ कंडीशन पर, कैसा ऑफ कंडीशन पर, यानी कि जीरो मिलेगा, मिल गया जीरो। दूसरा देखो क्या देखो दूसरा, अब देखो दूसरा क्या है, ए बराबर कितना है जीरो और बी बराबर कितना है वन, तो ए बराबर जीरो ए की जगह जीरो रखो यानी कि ओपन, बी की जगह वन तो इसे क्लोज्ड करो, ठीक है बात समझ में आ रही है। ए की जगह क्या है जीरो, तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा वन, ए बार कितना हो जाएगा ए बार वन, और बी बार भी कितना हो जाएगा वन, तो बी बार इसकी जगह ए बार की जगह क्या रखो क्लोज्ड, और बी बार की जगह बी की जगह क्या बी बार की जगह क्या आ जाएगा, अब इसका उल्टा क्या जाएगा जीरो, बी बार की जगह क्या जाएगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा ओपन। तो करंट का पाथ देखो करंट कैसे फ्लो होगा, ये इस तरीके से यहाँ से और यहाँ तक, तो आपका बल्ब क्या मिलेगा ओपन, तो क्या मिलेगा आपको वन, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होगा सेम तीसरा वाला हो जाएगा, तीसरा वाला भी सेम हो जाएगा, अब ये वाला करंट का पाथ क्या हो जाएगा ये करंट आपका फ्लो हो जाएगी। चौथा देखो वन वन वाला, ठीक है वन वन वाला देखो, देखो ए क्या है वन, तो ये क्लोज्ड कर दो, ये क्या है बी क्या है वन, तो इसे भी क्लोज्ड कर दो, ए बार फिर क्या हो जाएगा जीरो, तो इसे ओपन करो और इसे भी ओपन करो, तो करंट कहाँ तक यहाँ तक जाएगी है ना, यहाँ तक जाएगी और फिर आगे को जाएगी नहीं, तो क्या क्या आ जाएगा आपका ओ, कैसा मिलेगा जीरो, तो वन वन कब मिलेगा जब आपकी ये दोनों कंडीशन, ठीक है इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आया। देखिए अब हम इसकी बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन में क्या है कि पहले आप ग्रे कोड पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे ग्रे कोड है ना, तो इसका एप्लीकेशन में पहला पॉइंट लिखिए, हाँ इसका यूज बाइनरी से ग्रे कोड में चेंज करने के लिए किया जाता है, चेंज करने के लिए किया जाता है ना, क्यों देखिए ग्रे कोड हम जब पढ़े थे, अब मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है ये इस तरीके से, तो क्या करते थे आप इसे इसमें जोड़ते चले जाते थे, क्या करते थे इसमें जोड़ते चले जाते थे, और जो आपका आपका सम आता था कैरी आता था उसे क्या करते थे आप नेगलेक्ट कर देते थे, तो कैरी भी तो देखो इसमें भी क्या होगा अगर इसका एडिशन, अब तो ये आपका वो है इसकी ट्रुथ टेबल है, अगर वन वन का एडिशन हो रहा है तो क्या मिलता है आपको वन जीरो, तो जीरो इसमें क्या रहता है वन क्या रहता है कैरी रहता है और जीरो क्या रहता है सम, तो आप वन को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, वन नहीं लिखते थे इसमें के इसमें ग्रे कोड में, तो इस ये क्या होता है आपका जो एक्स और गेट होता है यही हो किसके होता है एक्स और गेट आपका ग्रे कोड में एक्स और प्रॉपर्टी लगती है, क्या लगती है आपकी एक्स और प्रॉपर्टी, ठीक है अगर यहाँ से करोगे तो इसे जीरो उतारोगे, क्या उतारोगे जीरो, ठीक है फिर इसे करोगे इसके साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा वन, तो ये आ गया वन, ठीक है पर वन वन को ऐड करोगे तो कितना आएगा जीरो, कितना आएगा वन वन को ऐड करोगे वन जीरो, तो वन को तो छोड़ दोगे क्या करोगे जीरो, क्या करोगे जीरो, तो ऐसे इसमें करना है वन वन को छोड़ वन को छोड़ना है और जीरो को ऐड करना है, तो ये रहता है आपका पहला एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ करा जाता है बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर। दूसरा मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में, कहाँ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, ठीक है बस यही रहता, ठीक है इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।